अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से ठीक होंगे। आज मैं आपको एक नई हवरी बनी है उसका विज़िट मैं कराता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त और माशाल्लाह खूबसूरत, और सारे बर्ड्स जो हैं ना उसमें बड़े एग्जोटिक बर्ड्स हैं। अफ्रीकन ग्रे हैं, लेक्टस है, रॉ है, लोरी है। तो आप सब मेरी वीडियो जो है ना एंड तक देखना, तो इंशाल्लाह बड़ी स्पेशल वीडियो होगी आज की जो है ना, और इसमें आपको सारे बर्ड्स, खूबसूरत बर्ड्स। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये बड़ी एवरी, ये इनका पहले भी मैंने एक सेटअप की एक वीडियो बनाई थी। ये मुनीब मुनीब तैयार है, इनका ये सेटअप है, इन्होंने माशाल्लाह अभी नई एवरी बनाई है। तो ये बाहर से अभी देखें, फिर मैं आपको अंदर से इसका विज़िट कराता हूँ। ये एवरी जो है, इसकी लंबाई भी 20 फुट है, चौड़ाई भी 20 फुट है, और ऊंचाई इसकी जो है ना ये 12 फुट है। तो ये आपको साथ ही जो है ना, मैं ये पहले आप इधर से बाहर से देखें, फिर मैं आपको इसकी सारी डिटेल भी बताता हूँ, इसका कितना ख़र्चा आया है, इस पर कौन कौन सा सामान लगा है, और इसके अंदर भी इन्होंने फिर अलहदा सेपरेट केजेस बनवाए हैं ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग पीछे साइड पे बने हैं, उसके आगे फ्रंट साइड पे जो है ना वो फिर सारे फ्लाइंग के लिए इन्होंने बनाया है जो है। ये आप देखें, और आगे आप फिर मैं आपको इसका विज़िट कराता हूँ। ये हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी मुनीब, कैसे हैं आप। खैर खैरियत ठीक है, आप खैर खैरियत से। माशाल्लाह आपने बहुत ही ज़बरदस्त एवरी बनाई है, और बड़ी दिलकश, इतनी खूबसूरत एवरी मेरे ख्याल में हमारे इलाके में इधर कहीं भी नहीं, इतनी बड़ी और इतनी ज़बरदस्त। आएँ साथ और आप फिर मुझे इसकी डिटेल भी बताएं साथ। ये इस साइड से भी देखें, इसका व्यू जो है ये आपको नज़र आ रहा है। फिर आपको मैं इसका अंदर से विज़िट कराता हूँ, और साथ साथ जो है आपको बर्ड्स भी दिखाते हैं, और साथ ही एवरी की जो है वो डिटेल बताते हैं। ये एंट्री का रास्ता एक इधर है, और एक इसका बड़ा रास्ता जो है वो इधर इन्होंने रखा हुआ है, ये वाला। कोई बड़ा केज वगैरह एंटर करना हो तो उसके लिए ये वाला दरवाज़ा जो है इन्होंने ना, ये वाला, इसमें देखें ये लॉक ताला लगा हुआ है। एक रास्ता इधर है, और एक दूसरा सेपरेट जो आम इस्तेमाल के लिए। आएँ ज़रा विज़िट कराएँ। ये डबल डोर लगा हुआ है जी। डबल डोर का आपको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की चीज़ होती है, कि इसमें आपके जब फ्लाइंग में होते हैं ना आपके बर्ड्स, तो आप एक दरवाज़ा खोल के इंटर हो के फिर उसके दूसरा दरवाज़ा जो है ना, ये अभी देखें ये दो दरवाज़े हैं वो बंद कर दिया, और फिर सेकंड जो दरवाज़ा है इसको आप ये वाला इस तरह का ठीक हो गई। ये सेफ्टी के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जी। ये एवरी देखें जी, अभी अंदर से एक साइड से मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, और ये बर्ड देखें जी इसके अंदर। ये अभी आप मुनीब इसकी मुझे थोड़ी सी साथ साथ आप ऐसे आए ना बर्ड के साथ, और साथ मुझे डिटेल बताएं। ये जो एवरी है, ये जो आपने इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है तकरीबन। 20 बाई 20 है ना, हाइट जो सी है इसकी तकरीबन 12 फुट है। हाइट इसकी 12 फुट है। तो इसमें जाली आपने ये कौन सी यूज़ की हुई है जाली। ये एंची खाने की तकरीबन जो है 25,000 का तकरीबन रोल इसका मिलता है, 50 फुट का। 50 फुट का एक रोल है। तो इसमें आपके कितने रोल इसमें आपने यूज़। तीन रोल इसके लगे हैं। तो ये ऊपर ये जो आपने छत से ये जो चादरें डाली हुई हैं, ये कितनी इसकी लंबाई है। इसकी 16 फुट लंबाई है, एक चादर की 16 फुट लंबाई। और कितनी चादरें आपने यूज़ की इसमें। 7 चादरें। तो इस ये पीछे से ले के इधर तक, यानी कि ये 16 फुट ये कवर हुआ है, जिसके नीचे ये ब्रीडिंग के लिए आपने बनाए हुए हैं। और आगे ये जो इन्होंने जगह छोड़ी है बहुत ही ज़बरदस्त, मौसम के लिए, यानी कि गर्मी सर्दी जब फ्लाइंग में होंगे आप, सीज़न में जब परिंदे खुले होंगे, तो इसमें आपके बर्ड जो हैं वो मुकम्मल, यानी कि एनवायरनमेंट जो होता है ना वो सर्दी गर्मी जो भी मौसम होगा, तो उसके अंदर मुकम्मल जो है ना वो इन्जॉय कर सकेंगे। और मौसम का बारिश अगर है तो बारिश में नहा भी सकते हैं। इस तरह की केज में फ्लाई एवरी में जो है ना आपके बर्ड जो है ऑफ सीज़न जब रखेंगे तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त और सेहतमंद रहते हैं। तो ये अंदाजन आपका इसका कितना ये जो खर्चा हो गया होगा इसकी एवरी पे, जो जितनी इसकी सारी खर्चा टोटल। ये 3.5 लाख तक हो गया, 3.5 लाख रुपये तक आप खर्चा जो होता है 3.5 लाख। उसमें ये जाली, ये मोटरवे वाली जो आप समझें, ये जाली मैं आपको दिखाता हूँ, जिस तरह की मोटरवे पे लगी होती है ना मोटी जाली, यानी कि ये बर्ड्स इसको काट नहीं सकते, ये वो वाली जाली लगी हुई है, मोटी जाली लगी हुई है।
और ये पाइप लगे हुए, ये 1.5 इंच वाला पाइप लगा हुआ है चकोर, और ये इंच वाले भी बीच में लगी हुए हैं जो है ना। तो इसका तकरीबन सारा जाली का, चादरों का एंगल और इसकी जो मजदूरी है, इसका तकरीबन 3.5 लाख रुपया जो है ना वो इसका ख़र्चा आया है। ये नीचे से भी आप देखेंगे, ये तकरीबन उठाई हुई इन्होंने 1.5 फुट नीचे से इसकी बेस बनी हुई है, ताकि नीचे से भी मजबूती और बारिश वगैरह से जो है ना पानी से नीचे वाली ये पाइप वगैरह इनकी ख़राब ना हो। और साथ ही फिर मैं आपको जो है ना ये बर्ड्स का भी, ये भी आपको चेक कराते हैं एवरी के साथ। ये देखें जी माशाल्लाह जी मुनीब भाई, इधर ये इनका जी माशाल्लाह अफ्रीकन, ये इसकी कितनी एज होगी अभी? 5.5 साल तकरीबन इसकी एज होगी। अच्छा, इसकी माशाल्लाह अभी इसकी आँखें भी देखें जी माशाल्लाह, येलो जो है ना इसकी आँखें मैं आपको चेक कराता हूँ, येलो होना स्टार्ट हो गई है। येलो अफ्रीकन ग्रे अडल्ट पेयर की निशानी होती है कि उनकी आँखें जो है वो येलो होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये अभी आप चेक करें इनकी माशाल्लाह आँखें जो है ना, जितनी इनकी एज, इनकी अफ्रीकन ग्रे की एज इसी हिसाब से काउंट करते हैं कि इनकी आँखों के हिसाब से जितनी इनकी डार्क येलो होगी तो इतने ही आपका मेच्योर पेयर होता है। जब स्टार्ट में लेके आते हैं तो उनकी आँखें जो है वो डार्क कलर की होती हैं, फिर आस्ते आस्ते वो साफ होना स्टार्ट होती हैं, और जैसे ये 3, 4, 5 साल का होता है, 3 साल का होगा तो उनकी आंखें वाइट होंगी, फिर आस्ते आस्ते उनकी आंखें जो है वो येलो होना। अब इसकी आंखें येलो, और इंशाल्लाह इस दफ़ा ये उम्मीद है कि ये जो है ना बर्ड्स ब्रीड करेगा और अच्छा रिजल्ट देगा। आगे आपको दिखाते हैं जी, आगे कौन से बर्ड्स हैं जी आप? एलेक्टस बर्ड जी, ये देखें जी माशाल्लाह इसकी खूबसूरती की क्या ही बात है एलेक्टस की। और ये ऊपर मेल बैठा है, उसकी वाजह निशानी होती है एलेक्टस में कि इसका मेल जो है वो, मेल जो है वो इसका हमेशा जो है वो ग्रीन कलर का होता है, और फीमेल जो है वो इसकी रेड कलर की होती है। ये अभी यंग है, ये 1 साल का हुआ है, ये फीमेल है रेड कलर की, और ये इसका मेल बैठा हुआ है। ये अभी ताज़ा शिफ्ट हुए हैं, 1 दिन हुआ इनको इधर शिफ्ट हुए, इस वजह से अभी ये थोड़े से मानूस नहीं है अपनी नई जगह से, इसलिए थोड़े से सुस्त होकर बैठे हैं। आगे आपको चेक कराते हैं जी, और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ और एक्टिव किस्म की। ये आपका माशाल्लाह मुनीब, इसकी कितनी एज होगी ये जो? 2.5 साल के। 2.5 साल के, तो अभी जब मैं इधर इंटर हुआ था तो उसकी वीडियो तो नहीं बनी, लेकिन ये अभी फीड वगैरह और क्रॉसिंग की कोशिश कर रहे थे, और ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वाला पेयर जो है वो इस दफ़ा इनको अच्छा रिज़ल्ट देगा। फर्स्ट ब्रीड है इसकी, अभी अडल्ट यानी कि अभी ये सीज़न के लिए, ब्रीड के लिए जो है वो तैयार हुए हैं। ये मेल है जी, रेड कलर लोरी इसको बोलते हैं जी। ये फीमेल है जी रेड कलर की, और ये मेल है। इनको रेड कलर इसलिए बोलते हैं कि इनके नेक के साथ ऊपर जो है ना इनका एक रिंग सा बना होता है रेड कलर का, तो कलर जिस तरह होता है उस वजह से इनका रेड कलर लोरी बोलते हैं। और बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत परिंदा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का परिंदा है ये। इसकी अट्रैक्शन, इसकी खूबसूरती आप देखें तो एक सारे पर इसमें इतने मुख्तलिफ रंग हैं कि आपको हर रंग अलग और ज़बरदस्त खूबसूरत नज़र आता है इसमें। इससे आगे है जी माशाल्लाह राह का पेयर, ये देखें जी राह, ये भी अभी माशाल्लाह अभी ये सिर्फ सेटअप इनका चेंज हुआ है, इस वजह से ये थोड़े से डिस्टर्ब हैं, नहीं तो अभी तक ये माशाल्लाह ब्रीड कर जाते, क्योंकि अभी ये नया सेटअप बना है तो उस वजह से इनके केज वगैरह चेंज हुए हैं। तो पहले केज में जो था उसमें ये फीड एक्सचेंज और क्रॉसिंग वगैरह कर रहा था, लेकिन फिर ये इनके अभी केज चेंज हुए हैं तो उस वजह से ये अभी ये डिस्टर्ब है थोड़ा सा, और अभी 1-2 हफ्ते में इंशाल्लाह ये अभी नई जगह पे आके जो है ना सेट हो जाएंगे। अभी साथ ही मैं आपको दिखाऊं तो इनकी छत देखें, छत जाली लगी हुई, और साथ आपको सुराख नज़र आ रहे होंगे सब खानों में। आप ये देखें ये वाले वेंटिलेशन के लिए सुराख, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये वाली वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि ये ऊपर से भी बंद है, गर्मी में फिर इस किस्म के सेट में थोड़ा सा गर्मी का इशू बनता है, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें ये देखें आप, हर खाने में आपको वेंटिलेशन के लिए जो है वो
सुराख नज़र आएगा, इसमें जाली लगी हुई है और ऊपर से ये देखें, ये ऊपर जाली लगी हुई है, जाली के ऊपर फिर चादरें लगी हुई हैं, यानी कि बारिश वगैरह भी आ जाए तो इनके नेस्ट बॉक्स को इशू कोई नहीं है कि नेस्ट बॉक्स इनका उसमें पानी जाएगा या कोई इशू बनेगा, वो इशू कोई नहीं है। और वेंटिलेशन के लिए ये देखें ऊपर छत भी इनका जो है ना वो सारा फ्रेम बना हुआ है जाली का, और फ्रंट पे देखें ये वाला ये एवरी का व्यू करें अंदर से, ये माशाल्लाह एनवायरनमेंट भी इन्होंने ज़बरदस्त बनाया हुआ है। वैसे भी घर के अंदर ये आप देखें ग्रीनरी, अभी तो ऑफ सीज़न है तो पौधे वगैरह सारे पूरे घर में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त घर बनाया हुआ है इन्होंने सारे पौधे। अभी ये जो अगले महीने में जैसी ग्रीनरी आएगी तो फिर माशाल्लाह देखने वाला मंजर होगा। ऐसे एनवायरनमेंट में जो है ना बर्ड्स बहुत ही खुश रहते हैं, ग्रीनरी हो, पौधे लगे हों, अंदर भी इन्होंने माशाल्लाह गमले वगैरह रखे हुए हैं ये वाले पौधे एवरी के अंदर भी। और ये देखें कि ये दरख्त एक एवरी के अंदर लगा हुआ है, ये देखें ये केज है और ये एवरी है, और एवरी के अंदर भी ये माशाल्लाह से जो है ना वो दरख्त लगा हुआ है। ये ब्रीडिंग के लिए केज पीछे बने हुए हैं, ये देखें रॉक है, लॉरिक है, एलेक्टस है, अफ्रीकन ग्रे है, और ये बड़ी 12 फुट ऊंची है, 20x20 की है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्लाइंग के लिए। तो मुनीर भाई जो है ये आगे आपका माशाल्लाह क्या इरादा है बर्ड्स के हवाले से कि आगे आप इसमें कुछ और भी ऐड करेंगे और कुछ परिंदे वगैरह इसमें? जी करने हैं, प्रोग्राम बना हुआ हो सकता है मकाओ का। अच्छा माशाल्लाह मकाओ का प्लान बना हुआ, ठीक हो गया सर। ऑफ सीजन में करेंगे कि इनको निकाल देंगे, अभी ब्रीडिंग सीजन में सही तो इसे अंदर रखे हुए ब्रीड के लिए, फिर उसके बाद आजाद कर देंगे। अच्छा फिर आप इनको जो है वो इधर इस एवरी में यानी कि ऑफ सीजन में जो है वो आप इसको ओपन कर देंगे? जी बिल्कुल ओपन कर देंगे सब, ठीक हो गया। तो मकाओ वगैरह, मकाओ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है ये, इसमें एक बड़ा पोर्शन बना हुआ है ये वाला जिसमें अफ्रीकन ग्रे इन्होंने रखे हुए हैं, ये इसका साइज़ इतना है कि इसमें आप मकाओ भी रख सकते हैं। ये जो खाने बने हुए हैं इसकी मैं आपको ब्रीडिंग के लिए इसकी मैं आपको बताता हूँ पैमाइश की, ये इसकी लंबाई जो है वो 5 फुट है और चौड़ाई 4 फुट है और ऊँचाई इसकी जो है वो तकरीबन 7 फुट है। रा वाले खाने की भी इतनी है, एलेक्टस वाले खाने की भी इतनी है, और लोरी और एलेक्टस, और ये जो इस साइड पे जो खाना बना हुआ है ना जिसके अंदर इन्होंने अफ्रीकन ग्रे छोड़े हुए हैं, इसकी चौड़ाई तकरीबन 8 से 9 फुट है, और 8-9 फुट और 5 फुट और 7 फुट इस खाने के अंदर, यानी कि अगर ये मकाओ लेके आते हैं तो ये अलहदा भी वैसे बन सकता है खाना, लेकिन इसमें भी अगर ये मकाओ रखना चाहें तो इसमें भी ये किसी हद तक मकाओ के लिए ये वाला खाना ठीक है। उसके अलावा एक और जगह मैं आपको चेक कराता हूँ, अगर मकाओ के लिए इनके पास ये वाली जगह भी है एंट्री के साथ ही, ये तकरीबन 14-15 फुट इतनी जगह होगी, इसमें भी ये मकाओ का खाना जो है ना ये बना सकते हैं ये वाला। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एवरी है, बहुत ही खूबसूरत, अल्लाह की ज़ात इनको नसीब करे। और स्कोटी के हवाले से भी मैं आपको बताऊँ तो आपने इतने अच्छे एग्जॉटिक बर्ड्स रखे हुए हैं तो स्कोटी के हवाले से भी आप ये देखें कि इन्होंने माशाल्लाह अंदर कैमरे जो है ना वो फिट कराए हुए हैं, तो इसमें स्कोटी भी है। और दूसरे आपको इसमें बर्ड्स की रूटीन का पता चलता रहता है, ये एक कैमरा लगा हुआ है फ्रंट पे जिससे आप ये वाला कैमरा, इस कैमरे से आप देखें तो ये बिल्कुल फ्रंट है, इसमें आप बर्ड्स की नकलो हरकत जो है वो सारी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप घर में नहीं है, आपने चेक करना है आपका कौन सा पेयर क्रॉसिंग कर रहा है, कौन सा सही क्रॉसिंग नहीं कर रहा, कोई इशू है, तो ये फ्रंट वाले कैमरे से जो है आपके सारे बर्ड्स आपको नज़र आते रहते हैं, उसमें आपको सारी डिटेल अपने बर्ड्स की पता चलती है कि कौन सा पेयर क्रॉस कर रहा है, कौन सा पेयर क्रॉस जो है वो अभी नहीं कर रहा। इसके अलावा ये देखें कि ये बर्ड्स के ऑफ सीज़न जब ये होंगे तो बर्ड्स के बैठने के लिए ये झूले भी लगे हुए हैं, ये स्टिक देखें ये लगी हुई है, ये इसके ऊपर ये जो आपको ये नज़र आ रहे हैं छत के साथ, इस पे सब पे बर्ड्स बैठेंगे। ऑफ सीज़न इंशाल्लाह जब हुआ तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह इसकी वीडियो बना के भेजूंगा जब ये फ्लाइंग में होंगे। ये देखें इस पे ये स्टिक लगी हुई है ऊपर इनकी हाइट पे, ये वाली सारी स्टिकें इन्होंने लगाई हुई हैं बर्ड्स के बैठने के लिए। तो सबसे ज़बरदस्त जगह तो ये होगी इनकी मेरे अंदाज़े में, जो आप गर्मियों में जब ये बर्ड्स आज़ाद होंगे तो ये जो दरख्त लगा हुआ है, ये पौधा लगा हुआ है बड़ा सा,
मेरे अंदाज़े में सबसे ज़्यादा खुश हो के बर्ड्स इनके इस के अंदर बैठेंगे। और इस एवरी की सेट की शेड की जो एक और बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत चीज़ की ये देखें, वेंटिलेशन और धूप के लिए, क्योंकि इस साइड से धूप आनी है ना, तो इन्होंने बहुत ही अच्छी ये वाली जो चीज़ छोड़ी है कि ये यहाँ से धूप, ताकि सारे शेड को जो है वो धूप भी लगती रहे। ये वाला जो इन्होंने खाना छोड़ा हुआ है ना, ये नीचे से ले कर ये छत आ गई, छत और ये दीवार और छत के दरमियान ये जो तकरीबन 2 फुट का गैप है और लंबाई इसकी 20 फुट है, ये गैप, ये सारी इसमें से धूप साइड से भी आती रहेगी। ये यहाँ से जो जगह इससे धूप आएगी ही आएगी, फ्रंट से इस साइड से सारा दिन धूप लगती रहेगी। तो ये वाली जगह है, इससे भी धूप के लिए और वेंटिलेशन के लिए, बर्ड्स के लिए जो है वो विटामिन डी वगैरह जो होता है वो इसी से पूरा होता है, कि धूप बहुत ज़रूरी होती है परिंदों के लिए। एक और चीज़ जो मैंने आपको दिखाई नहीं कि ये नीचे से बर्ड्स के लिए, ये जो ऊपर बर्ड्स बैठे हुए हैं तो नीचे इनकी जगह जो है ना ये मिट्टी की है। मिट्टी ज़बरदस्त चीज़ होती है, कुदरती माहौल होता है इसमें। बर्ड्स वैसे भी आप वाइल्ड में देखें तो वो सारे उनकी वो जंगल में वो सारी मिट्टी पे बैठ के ही जब नीचे उतरते हैं दरख्तों से तो नीचे मिट्टी में बैठना पसंद करते हैं। तोता हो या कोई भी परिंदा हो तो वो मिट्टी में जो है वो बैठ के खेल के खुश होते हैं। और दूसरा, इनकी सफाई भी आसान होती है इसमें, यूँ इनके ऊपर से झाड़ू लगा के तो ऊपर ऊपर से जो गंद होता है तो आराम से आप जो है इनकी सफाई कर सकते हैं। और ये देखेंगे कितना, अब ये लोरी नीचे उतरा हुआ है और खेल के जो है मिट्टी वाली जगह पे बर्ड जो हैं वो बनस्पत पक्की जगह के मिट्टी वाली जगह जो है उनको पसंद होती है कुदरती, क्योंकि वाइल्ड में भी आप देखते हैं कि वो जंगल के अलावा नीचे वो जो जगह है वो सारी कच्ची होती हैं। तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ये वाली भी ऑप्शन रखा है कि नीचे सारी इन्होंने जो है वो मिट्टी डाली हुई है। तो इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलते हैं। मुनीब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी अफ्रीका में विज़िट कराया। तो इंशाल्लाह आगे जब जैसे आपने मकाऊ लेके आए फिर इंशाल्लाह आपकी वीडियो बनाएंगे आपके आइवरी की, या फिर ऑफ सीज़न जब ये आप फ्लाइंग में छोड़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह इस शेड की दोबारा से इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे जो है ना बर्ड्स की, या जब ये ब्रीडिंग करेंगे तो ब्रीडिंग के हवाले से जब इनके चिक्स वगैरह आएँगे तो फिर आप इंशाल्लाह आपको इनका रिज़ल्ट चेक कराएँगे। तो दोस्तों मेरा चैनल, आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो शौकीन नज़र आते हैं कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि इंशाल्लाह अच्छी मालूमाती और बर्ड्स के हवाले से जो है ना वो मैं आपको जो है वीडियो दिखाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो के साथ लाइक कमेंट्स भी करें और साथ ही जो है ना वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इसी सब्सक्राइब्स और आपकी लाइक कमेंट और शेयर से ही हमारी हौसला अफज़ाई होती है, और इंशाल्लाह फिर आप हौसला अफज़ाई करते रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको जो नए शौक कराता रहूँगा और आपको जो है वो नई वीडियो इंशाल्लाह दिखाता रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।